प्लीज डोंट डू दिस। तो भाई अभी मैं फिलहाल हूँ कलंगुट बाघा बीच, इस साइड है और इस साइड रोड निकल के जा रहा है और इस साइड है बीच। तो भाई अभी नवंबर के मंथ हो रहा है और पूरा पब्लिक, पूरा इंडिया का पब्लिक सब लोग गोवा में आ गया है। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आज क्या अपडेट है कलंगुट बीच का। तो 2022 में नवंबर में गोवा में कैसा सीन है, क्या अपडेट है, तो सब आप लोगों को इसी ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई अभी मैं फिलहाल हूँ कलंगुट बीच के मार्केट साइड और बीच के आगे वाले मार्केट में। यहाँ के आपको लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कलंगुट बीच, सीधा है राइट में जाएंगे तो बाघा बीच मिलेगा। और गोवा में यार सबसे कम एक चीज़ देखने के लिए मिलता है, वो है केमिस्ट, वाइन शॉप, रूम रेंट सब कुछ आप लोगों को हर गली में मिल जाएगा। हर गली में वाइन शॉप चाहिए आपको, रूम रेंट पे चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यार केमिस्ट के लिए ढूंढना पड़ता है यार, मेडिकल शॉप है ही नहीं, गिना चुना दो चार। तो ये कलंगुट बीच का नाके, इस साइड में चला जाता है बाघा बीच और यहाँ से स्टार्ट होता है कलंगुट बीच। ये देखो इधर भी वाइन शॉप, हर तरफ वाइन शॉप मिल जाएगा यार आप लोगों को। इधर वाइन शॉप, टैटूज, लॉट्स ऑफ ऑप्शन है। भाई टैटू बनाने का है? नहीं भाई, टेम्पररी परमानेंट नेम बता। तो भाई मुझे आके पूछ रहे हैं भाई तुझे टैटू बनाना है क्या, टैटू बनाने लो। और यहाँ पे आप लोगों को लॉट्स ऑफ शॉप वगैरह मिल जाएगा, तो शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे बहुत सारे टैटू वाला है, इसे आप लोगों को खींचेगा ठीक है। तो बोल रहे हैं कि 20 रुपये में टेम्पोरारी टैटू है, टेम्पोरारी भी टैटू आप लोग बना सकते हो यहाँ पे आके। टेम्पोरारी भी है, परमानेंट भी है, तो ऐसी जो विश आपके जो विश होगा आप वही बना लो। और जो लोग दूसरे बीच में रुके हुए हो उन लोगों के लिए ये रहा, ये वाली है पार्किंग। तो यहाँ पर आप लोग आके कलंगुट बीच में आ रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों को पार्किंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप साउथ गोवा में रुके हो या फिर आप पंजी में रुके हो या फिर मतलब आप दूसरी जगह से आ रहे हो और स्कूटी कार रेंट लिए हो, आप रेंट लेके आ रहे हो तो उसके लिए आप लोग आपका कार या बाइक को पार्किंग रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं रख सकते। तो पार्किंग ये वाली है पार्किंग, ये देखो यार ये बड़ा वाला पार्किंग है। और यहाँ से भी आप लोग स्कूटी रेंट कर सकते हो, जो जितना भी स्कूटी वगैरह दिख रहा है ये सब रेंट के लिए है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आप लोग आके मस्त यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो, जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए शॉपिंग। ये देखो ये बाइक सब रेंट पे देता है और यहाँ पे नंबर भी लिख के रखा है उन लोगों का जिसका है कुनाल करके। हर एक एक शॉप छोड़ने के बाद उसके बाद वाइन शॉप मिल जाता है यहाँ पे, ये वाइन और टैटू। ये देखो यहाँ पर भी एक टैटू शॉप है। ये देखो यार और एक वाइन शॉप, बहुत बड़ा लग रहा है। यहाँ पे अच्छे अच्छे गाड़ी भी मिल रहा है, बुलेट, एवेंजर्स वगैरह। तो भाई अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग 11 o'clock कुछ, तो इसलिए तो उतना रश नहीं लग रहा है। ये अभी इसके बाद 12 बजे के बाद ही रश होगा आई थिंक, क्योंकि मुझे भी तो उतना पता नहीं है, बिकॉज मैं आज पहली बार आया हूँ कलंगुट बीच में और उतना तो रश नहीं दिख रहा है। बहुत सारा शॉप है यार यहाँ पे, ये देखिए सब भी शॉपिंग कर सकते हो आप लोग। भाई ये देखो यहाँ पर भी बहुत सारा शॉप वगैरह है, यहाँ पर भी आप लोग शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे गोवा घूमने के लिए टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी है और यहाँ पे बिरयानी लिखा है 100 रुपीज़, कभी कभी मिलता है यार, पता नहीं यार डिनर में मिलता है शायद। और ये वाली एक बार है कलंगुट बीच साइड में, यहाँ पे भी होटल लेके रुक सकते हो। पे गोवा का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर का एक पुतला बना के रखा है, गोवा का फर्स्ट मिनिस्टर का पुतला देख के आप लोगों को पहचान में आ जाएगा कि आप लोग कलंगुट बीच पहुँच गए हो यार। सब फास्ट फूड वगैरह का ऑप्शन मिल जाएगा यार, लंच वगैरह भी कर सकते हो, लंच के लिए भी सिस्टम है यहाँ पे, नूडल्स, राइस, सब कुछ, बड़ा पाव भी मिल रहा है यार यहाँ पे। और यहाँ पर भी एक वाइन शॉप है और बीच के साइड में सामने आप लोग वाइन खरीदोगे मतलब। तो भाई आप लोग आ रहे हो कि दारू
पीने के लिए, तो बीच साइड से खरीदोगे तो थोड़ा महंगी पड़ जाएगी शायद, तो अंदर साइड खरीदोगे तो उतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो भाई ये रहा कालंगुड़ बीच, वेलकम टू कालंगुड़ बीच। रस तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है यार। तो भाई इतना ज़्यादा रेत है ना, तो इसलिए मैट डाल के रखा है, और मैट डाल के रखा है मतलब भाई मैट डाल के रखता है रेस्टोरेंट वाले, तो आप इसे जाओगे तो सीधा पूरा शेक में पहुंच जाओगे। तो धूप इधर है तो इस साइड में ज़्यादा वीडियो अच्छा लग रहा है, और इस साइड में अंधेरा लग रहा है थोड़ा, और बहुत सारे लोग हो गया यार। ओ माँ कसम, रेत कितना गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। नंगे पैर में आओगे तो पूरा पैर जल जाएगा यार, तो चप्पल पहन के आना। बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है नवंबर में भी, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रहा है। तो शेक देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ का रात का सीन कुछ अलग रहता है और दिन का सीन कुछ अलग रहता है। कैंडल लाइट डिनर्स, पार्टीज, सब कुछ होता है। आप लोग डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। दिन में आप लोग सिर्फ आओ, आके बैठो, एंजॉय लो, खाना वगैरह खाओ। यहाँ पे बैठने का ठीक है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। आप लोग खाना खा रहे हो तो मतलब आप लोग बैठोगे तो खाना खाना ही पड़ेगा, ऐसा सीन है। खाना वगैरह खाओगे तो 500-700 का बिल बनेगा ही बनेगा। खाना इतना भी अच्छा नहीं रहता है, सिर्फ इंजॉय करने के लिए। आप लोग आ रहे हो तो बैठ सकते हो। तो भाई आप लोग यहाँ पे वाटर स्पॉट भी मिल जाएगा, तो 4 से 5 या कुछ वाटर स्पॉट करवाता है ये लोग, तो उसका कुछ एक फिक्स प्राइस रहता है। उसमें 4-5 राइड रहता है, एक हो गया ये वाला, और एक हो आप लोगों को दिख रहा है पता नहीं, वहाँ पे एक बैलून्स में एक आदमी झूल रहा है, तो उसका वो एक हो गया। टेबल एक राइड है, टेबल ये बनाना राइड, और ये देखो ये वाली एक है, 3 हो गया, और एक हो गया उसे बैलून में ऊपर टैंक घूमेगा, 4 हो गया, और एक है। टोटल 5 एक्टिविटी करवाता है, उसके लिए आपको 1500 रुपये लेता है। और भाई ये वाली भी एक है, तो ये सब आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ पैकेजिंग लेके करोगे तो क्या होगा, एक साथ पैकेजिंग लोगे अभी 1500 रुपये करके लगेगा आपको 1% का 5 एक्टिविटी का, नहीं तो फिर नॉर्मल ऑफ सीजन टाइम पे 1300-1200 में भी हो जाता है, लेकिन अभी फुल टू सीजन है यार। भाई शेक में सब लोग बैठ के बियर वगैरह पी रहा है, खाना वगैरह खा रहा है, और इस शेक का नाइट में भी इसका अलग रहता है सीन, और दिन में भी रहता है। दिन में आप लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो, नाइट में गाना वगैरह बजता है, डांस वगैरह भी करते हैं। और भाई ये सब एक्टिविटी में आप लोग 2 या 1 में आप लोग फ़ोन लेके जा सकते हो, नहीं तो फिर बाकी सब में फ़ोन लेके नहीं जा सकते हो यार, क्योंकि पूरा आपका फ़ोन का काम तमाम हो जाएगा। ये देखो सब लोग कैसा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग छत्रियों का अलग अलग चेक है, ओके, तो इसका नाम, उसका नाम, सबका नाम अलग है, और सबके जगह पे फोटोशूट करने के लिए कुछ ना कुछ रखता है एक्टिविटी। तो ये देखो यहाँ पे जो लाभ किया हुआ है, तो रात में लाइट जलता है तो और भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप लोगों को आई लव गोवा लोहार शेक में इसका है, इस इधर का आई लव गोवा, उसका है उधर का आई लव गोवा, तो ऐसे आई लव गोवा हर जगह पर दिखने के लिए मिल रहा है। इधर 1, 2, 3 दिखा यार। तो भाई ऐसा देख के तो मैं बात ही नहीं कर सकता यार, बिकॉज पूरा मुंह में धूप आ रहा है तो आँखें खुल ही नहीं पा रहा हूँ यार, आँखें पूरा बंद होकर मैं बात करना पड़ रहा है, तो इसलिए ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो भाई ये वाली एक कार देख सकते हो, तो इसमें अनाउंस करता रहता है, कोई प्रॉब्लम वगैरह हुआ कि हो रहा है तो इसमें बोलता रहता है। तो भाई बहुत ज़्यादा ही अभी रश हो गया लग रहा है, अभी क्राइम हो रहा है 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद ही थे यार, तो अभी 12 o'clock हो गया, अभी रश देखो यार, रश इतना हो गया। इधर भी है, इधर थोड़ा बहुत कम है, लेकिन इस साइड में ज़्यादा है।
तो भाई सब लोग पूरा फुल टू एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे तो दारू पी के कुछ लेट गया है यार, ये लोग थोड़ा चढ़ गई है। तो भाई गोवा में सबसे ज़्यादा रश होता है नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गोवा मीन्स कलंगुट बीच हो गया, बागा बीच हो गया, तो इस सब में सबसे ज़्यादा रश होता है। साउथ गोवा उस साइड में सबसे रश कम होता है और उस साइड में सबसे ज़्यादा फॉरेनर जाके रुकता है, क्योंकि फॉरेनर लोग क्या करने आता है, सुकून रिलैक्स होने के लिए आता है यार, और हम लोग का इंडियन लोग इंजॉय करने के लिए आता है। इंजॉय करने के लिए बागा या कलंगुट इस साइड में नॉर्थ गोवा में बेस्ट है। इधर तो शेक वगैरह सब चालू है और इधर एक सामने एक ओपन हो रहा है और इस साइड में भी है। ये देखो कैफे लव रॉक, ये दिख रहा है क्या पता नहीं, दिख रहा है ये देखो, ये कैफे लव रॉक, इसका नाम अलग है। सब लव वगैरह बना के रखते हैं, सब आप लोग फोटो वगैरह आके खींच सकते हो, रात को और भी मस्त लगता है यार। तो नाइट लाइफ गोवा में कैसा है तो उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करो, फिर मैं नाइट लाइफ गोवा कैसा है तो उसका भी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ये मून लाइट बीच शेक फुल पावर। तो भाई गोवा में सब लोग आ गए हैं, बहुत लोग आ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा है आजकल। नवंबर का 2 वीक निकल गया तो अभी इतना रश हो रहा है, दिसंबर में भी और भी ज़्यादा होता है। तो आप लोग आओ फुल टू एंजॉय करो और कहाँ कहाँ का वीडियो देखना चाहते हो उसके लिए कमेंट करो यार, और चैनल में है तो सब्सक्राइब कर देना। आओ खाओ पियो मस्त मज़े करो यार, फुल टू एंजॉय करो। सो नॉर्थ गोवा का और भी प्लेसेस है, बागा बीच है, नाइट लाइफ है, सब कुछ का वीडियो मैं बनाऊंगा। आप लोग कौन सा प्लेस स्पेशली देखना चाहते हो उसके लिए भी नीचे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, बी सेफ, मिलते हैं बहुत जल्द न्यू गोवा का ब्लॉग लेके।